हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन और बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और जो लोग बैंगन शौक से नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं ये तीन बैगन। ये हमें ऐसे लाइट कलर के लेने हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसकी जो ये जड़ें हैं इसको इस तरीके से काट लेंगे और इसका बीच में से कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमें सभी को काट लेना है। आप चाहें तो ना भी डालें इसे, लेकिन इसके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और छील लेंगे। अब हम इनको छील लेंगे। इस तरीके से मैं सारे बैंगन छील लूँगी और हमें काटना अभी नहीं है। जब हम डालेंगे, जब इसे काटेंगे, अगर हम पहले से काट लेंगे तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको जिस टाइम हमें इसको डालना होगा पकाने के लिए, जब हम इसको काटेंगे। इस तरीके से मैं सब छील लूँगी और काटूँगी नहीं। तो जी देखिए, मैंने सबको छील लिया है और इनको इस तरीके से काट लिया है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है आधा किलो चिकन, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 2 मीडियम साइज की प्याज, हमें इसको लाइट गोल्डन कर लेना है, बस हल्का सा ही फ्राई करना है, हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस ये पिंक सी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो हमारी प्याज देखिए हल्की सी पिंक होने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट इसको पका लेंगे। लहसुन का पेस्ट पक गया है, अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें हल्दी, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के टमाटर, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, आप चाहें तो पीस कर भी टमाटर डाल सकते हैं। इतने हमारा ये टमाटर वगैरह गल रहे हैं, हम काट लेंगे बैगन। इनको हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से मैं सभी बैगन काट लूंगी। बैगन
बैगन सब अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको डाल देंगे सालन में। देखते हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इस स्टेप पर हम डाल देंगे इसमें बैगन, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चीज सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हमारा चिकन भी फुली कुक्ड नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं गला है, और हमें बैगन को भी अच्छे से गलाना है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 ग्लास पानी, डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च, और इसको हम अब ढक देंगे पकने के लिए। 10 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर इसको देखेंगे। तो ये 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, आप देख सकते हैं। इसको हमें बिल्कुल, जो बैगन है उनको बिल्कुल इस तरीके से घोट लेना है, बिल्कुल इसको मैश कर देना है। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। पांच मिनट हम इसको ढककर हल्की गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा बैगन गोश्त बिल्कुल बन के तैयार है। बैगन चिकन, सॉरी बैगन गोश्त बोल रही हूँ, बैगन चिकन हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो आप देखिए कितना मज़े का लग रहा है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। गर्म हो रहा है अभी, हाँ मेरा हाथ जल रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना यम्मी लग रहा है। वाओ, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको एक बार टेस्ट ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। और जो लोग बैगन पसंद नहीं करते वो भी बड़े शौक से खाएंगे इसको, और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये बहुत मज़े का बना है, खुशबू भी इसकी इतनी अच्छी आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।